नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है अंकित अनिल नायर और मैं एक एस्पायरिंग पोएट और राइटर हूँ। तो मैं अभी एक प्राइवेट कंपनी में काम करता हूँ और जब भी ऐसे मौका मिलता है ना तो ऐसे कहानियाँ कविताएँ लिखता हूँ और ऐसे मौक़ों पे आप सबके साथ शेयर करता हूँ। तो आज जो कविता मैं आपको सुनाने वाला हूँ वो है यूँ ना सोचा था कभी। तो ये कविता मैंने जो हमारे देश में पूरी दुनिया में जो अभी ये कोविड क्राइसिस चल रहा है उसके ऊपर लिखी है। तो कविता कुछ इस प्रकार है। यूं न सोचा था कभी, यूं न सोचा था कभी आएगा एक दिन ऐसा भी, यूं न सोचा था कभी आएगा एक दिन ऐसा भी, ऑफिस को गर्मियों की छुट्टी मिल जाएगी, ऑफिस को गर्मियों की छुट्टी मिल जाएगी, स्कूल कॉलेज मैदान सब सूने पड़ जाएंगे, मार्केट पूरी बंद हो जाएगी, यूं न सोचा था कभी आएगा एक दिन ऐसा भी। अब क्या दिन क्या रात लगता सब एक ही है जी, क्या दिन क्या रात लगता अब सब एक ही है जी, यूं न सोचा था कभी आएगा एक दिन ऐसा भी। मास्टर जी कहते थे स्कूल में, मास्टर जी कहते थे स्कूल में आएगा एक दिन ऐसा भी, मास्टर जी कहते थे स्कूल में कि आएगा एक दिन ऐसा भी, कंप्यूटर पे चलेगी दुनिया सारी, कंप्यूटर पे चलेगी दुनिया सारी, मगर सोचा न था उन्होंने भी कि क्लास उनकी भी होगी ऑनलाइन ही, सोचा न था उन्होंने भी कि क्लास उनकी भी होगी ऑनलाइन ही। दंगे मचे हैं बाहर जी, दंगे मचे हैं बाहर जी, लोग मर रहे हैं बिना मिले ऑक्सीजन दवाई या इलाज भी, मगर नेताजी व्यस्त है चुनाव जीतने में जी, मगर नेताजी व्यस्त है चुनाव जीतने में जी, और अब आए सब होश में है, और अब आए सब होश में है, प्लांट ऑक्सीजन के जा रहे लगवाए हैं, प्लांट ऑक्सीजन के जा रहे लगवाए हैं, प्यास लगी तो आओ खोदे कुआं जी, लगी तो आओ खोदे कुआ जी, यूं न सोचा था कभी आएगा एक दिन ऐसा भी। संदेश अब आप हमारा बस इतना सुन लो, संदेश अब आप हमारा बस इतना सुन लो, घर से निकलो ना बेमतलब प्लीज, घर से निकलो ना बेमतलब प्लीज, मगर फिर भी मजबूरी में पड़े ही निकलना बाहर, फिर भी पड़े मजबूरी में पड़ना बाहर ही, तो मुंह पे मास्क लगाना जी, मुंह पे मास्क लगाना जी, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना जी, और 2 गज की दूरी बनाना भी।